उत्तर देखते हैं। देखिए, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? तो प्राकृतिक पर्यावरण पुल, मकान, सड़क नहीं होगा, जल होगा। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आप पढ़े थे, तो पर्यावरण अभी आप पढ़े थे प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो दो प्रकार के। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या, खाली जगहों को भरिए। पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव मिलकर जैव पर्यावरण। पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डैश के अंग है, पर्यावरण के अंग है। मनुष्य ने अपनी डैश की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया। कुल मिलाकर 9 प्रश्न है, ये 9 प्रश्न का उत्तर चलिए करते हैं इसी वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, हमारे आसपास जो भी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं हैं, इन सब को मिलाकर बनने वाले अंतरजाल को पर्यावरण कहते हैं। नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने आदि दृश्य वस्तुएं हैं। मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें आदि दृश्य वस्तुएं हैं, इन सभी को मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर का, पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? देखिए, तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नदी, पहाड़, जंगल, जैव मंडल आदि आते हैं। जैव मंडल में सभी जीव जंतुओं को रखा गया है जो प्राकृतिक में प्राप्त हुआ। मानव निर्मित पर्यावरण छोटे बड़े घर और भवन, कल कारखाने, कृषि से संबंधित उपकरण, कुआं, तालाब, सड़क, पुल, पुलिया, गली, कूची आदि मानव निर्मित पर्यावरण है। आपका तीसरा प्रश्न है, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का संक्षिप्त परिचय निम्नांकित है। भूमि का वह भाग जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पहाड़, पठार, मैदान और खेत खलियान आदि को स्थलमंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज और खनिज लवण आदि स्थलमंडलीय पर्यावरण के उदाहरण हैं। दूसरा है जलमंडल, सागर, महासागर, झील, नदी, कुआं, तालाब, बादल, वर्षा आदि सभी मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल, जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। इनमें मुख्यतः गैसें होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को मनुष्य सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला है, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती है? तो सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, कथा पूजा, शादी विवाह के मौके पर गाए जाने वाले भजन गीत, जैसे कि आगमन पर किए जाने वाले अभिवादन और उसका तरीका आदि, पर्व त्यौहार, तीर्थ भ्रमण, मेला हाट आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत आते हैं। वृक्ष पूजा, कुआं पूजा, गंगा पूजन, सूर्य को जल अर्पण आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है कैसे? उत्तर का, मानव अपने लाभ और आराम के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह मकान बनाता है, सड़क बनाता है, कारखाने बनाता है, आवागमन के साधन बनाता है। इन सब को संचालित करने के लिए खनिज ईंधनों की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। भवन और कारखाने तथा सड़क बनाने के लिए पत्थर की, गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर समझिए, सीमेंट बनाने के लिए भी चूना, पत्थर और विभिन्न खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। पत्थर, गिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो इस प्रकार से मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक को नुकसान पहुँचता है। अगला प्रश्न आपका है, किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? उत्तर होगा, आज यह प्रथा सी चल गई है कि पढ़ लिख कर अपना गृह गांव छोड़कर लोग अन्यत्र नौकरी पर चल जाते हैं। वहां विभिन्न स्थानों और परंपरा रिवाजों वाले लोग रहते हैं। उनके रहन सहन और खाने पीने में भी समानता नहीं रहती। अतः पड़ोसी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व त्यौहार में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, और इधर अपने गांव नगर के त्यौहार तो छूट ही जाते हैं। इन्हीं कारणों से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। तो अगला आपका प्रश्न, सातवां प्रश्न है, आपके पास कौन सा पारितंत्र है चित्र बनाकर
किसी एक का वर्णन की करें। उत्तर होगा हमारे पास स्थलीय पारितंत्र है। इस पारितंत्र में नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क, घर, विद्यालय, आवागमन के साधन, साइकिल, कार, बस, कुआं, चापाकल आदि हैं। इसमें खेत खलिहान भी हैं जहां से हमें अनाज और सब्जियां मिलती है। यह हमारे आसपास का पारितंत्र है, आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। अगला आपका आठवां प्रश्न है, हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। हमें इसका अपव्यय नहीं होना देना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं कैसे। इसका उत्तर होगा, हम कभी कभी अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी हम जानबूझकर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम कभी गंदी बाल्टी को कुएं में डाल देते हैं, गांव या शहर की नालियों को नदी में मिला देते हैं। इससे नदी जल गंदा हो जाता है। गंदे कुएं और गंदी नदी का पानी पीकर हम स्वयं बीमार हो जाते हैं। विभिन्न कारगुजारियों से हम वायु को दूषित कर देते हैं और हम ही उस वायु से सांस लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा कर हम अपना ही जीवन संकट में डालते हैं। तो हमने ये सारे प्रश्न उत्तर का जवाब तथा इस चैप्टर को, इस छठा चैप्टर हमारे पर्यावरण को ठीक से समझा जाना इसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से सभी चैप्टर को लास्ट तक देखिए, समझिए, क्योंकि इस प्रकार से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसके पास ये वीडियो नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो 7वां चैप्टर में। थैंक यू।